कोई नहीं यार, पार्टी मीटिंग के चक्कर में आया हूँ। मुझे बताएं मलिक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप ऑर्डर लगाएं। इम्तियाज़े, जरा अपनी आंखें और कान खुली रख। पार्टी में मेरे मुखालफीन पार्टी की आदत को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आला की आदत तक मेरी शिकायतें पहुंचाई जा रही हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस साल पार्टी मुझे टिकट दे। तू जरा चेक करके बताए, कोई अंदर का बंदा तो नहीं है कि हमारी मकबरियां कर रहा है मुखालफीन को? ओ मलिक साहब, आपने मुझे काम कह दिया ना, अब देखिए मैं करता क्या हूँ। अगर जे मुकबर हमारे बीच में हुआ तो उसका वो हाल करूँगा कि आप सोच नहीं सकते। इजी करा दूंगा, फंड दूंगा, गोली मार दूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा मैं उसको। दोबारा कोई मुकबर पैदा नहीं होगा फिर। शाबाश, ये मेरा शेर। मलिक साहब आजकल केस शेस करता फिर रहा है, मफरूर बीवी जो मिल गई है। वाह भाई, ये खबरें तो हम भी सुन रहे हैं। बड़े मुकदमे शुकदमे करता फिर रहा है। मुबारक हो भाई, तेरी बीवी मिल गई। हाँ, बड़ी मेहरबानी मलिक साहब। वो तो ठीक है, अब करेगा क्या उसका? बहुत कुछ करना है मैंने उसका, उसको छोड़ना नहीं है मैंने। कातलाना हमला करके भागी थी ना मुझ पे, धोखा देखे तोड़ तक पहुंचाऊंगा बस को, लंबी सजा कराऊंगा, जेल में सड़ेगी। खैर कर जा, आगे मेरी मदद चाहिए हो बस फट से आवाज लगा देनी चाहिए। हैं ओ मलिक साहब, आपका हाथ हमारे सर पे है तो ही तो काम बन जाता है। आपके टुकड़ों पे तो हम पल रहे हैं सारे। क्यों भाई, आप यकीन करें, कभी कोई अब्बी नब्बी होती है ना पुलिस के आगे, तब भी आपका नाम लेते हैं। आप तो शहजादे आदमी हैं।